गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीवॉर्मिंग के बारे में। आप कितना भी अच्छा खाना यूज़ कर रहे हो, आप कितनी भी महंगी फीड दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, बट अगर डॉग के की डीवॉर्मिंग नहीं करी गई है तो वो डॉग कभी हेल्दी नहीं होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, उसको स्किन डिसीजेज होंगे, उनके एपेटाइट अच्छी नहीं होगी, वो आपका डॉग बीमार होगा, वॉमिट कर सकता है। तो पहले हम बात करेंगे साइंस ऑफ डीवॉर्मिंग, क्या सिम्टम्स हैं जो डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है आपके कुत्ते को वो बता रहा है। नंबर वन, वो मिट्टी गंदगी खाएगा। कुत्ते सफाई से रहना पसंद करते हैं, बट जब उनके पेट में कीड़े होते हैं तब वो मिट्टी चाटने लगते हैं, घास खाने लगते हैं, कई बार तो जब कुछ केसेस में वो अपने पूप्स को खाने लगते हैं, अपनी पॉटी खाने लगते हैं, तब आप समझ जाइए कि डॉग्स को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। डिवॉर्मिंग का आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना करिए, लगभग 40-45 डेज के जब आपके पपी हो जाएं तब आप इसका सिरप का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग ब्रांड्स के मौजूद हैं डिवॉर्मर जो कि बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं, और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अंदाजा या तुक्का लगा के डिवॉर्मिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आप मल्टीविटामिन कैल्शियम दे रहे हैं तो उस समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सब तो ठीक है, बट इसमें अगर वो कम होगा तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा होगा तो वो आपके डॉग के ओवरऑल हेल्थ, उसके लिवर पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आप अगर आपका पपी 10 केजी से कम है तो आप उसके लिए लिक्विड यूज़ करें पर केजी 1 ml के हिसाब से, और जब आपका पपी बड़ा हो जाए तब 10 किलो से प्लस, तब आप उसके लिए टैबलेट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। पर 10 kg पे 1 tablet होती है। तो जैसे कि आपका पपी 10 किलो का है तो आप उसे 1 tablet देंगे, 15 kg का है तो 1.5 देंगे, और ये वॉर्म्स की साइकिल 20-30 days की होती है। कुछ डॉग्स में 15 days पे ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ डॉग पे 30 days तक चल जाता है। तो आप हमेशा 30 डेज या 15 डेज आइडियल होता है, 15-20 days पे देते रहें जिसके से उनके पेट में डिवॉर्मिंग ना हो, वॉर्म्स क्रिएट ना हो, और उस समय आप उसको डिवॉर्मिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। और डिवॉर्मिंग करने का तरीका ये है कि आप उसे सुबह खाली पेट उसे डिवॉर्मिंग की गोली दे दें, उसके 2-3 घंटे तक उसे खाना ना दें, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे शाम में दें तो उससे उसका पेट थोड़ा कुछ खाली होगा, बट बेस्ट टाइम होगा सुबह के लिए, और अगर आप शाम में करना चाहते हैं तो शाम में उसे दें और 2-3 घंटे तक कोई फीड ना दें। धन्यवाद।